मैनगांव थाना क्षेत्र के सुखपुरी में शुक्रवार शाम मवेशियों के पाले की बात को लेकर हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। यहां कुछ लोगों ने एक महिला के घर में घुसकर धारदार कुल्हाड़ी और दराती से हमला कर दिया। महिला के सिर में गंभीर चोटें आई है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। घायल महिला फातिमा ने बताया कि मोहल्ले के कुछ लोगों से उनका पहले से विवाद है। शुक्रवार को मवेशियों के पाले की बात पर विवाद किया। जब मैं अपनी 3 बेटियों के साथ घर में थी तो युवक छत के रास्ते घर में घुसे और पहले दराती फेंक कर मारी, इसके बाद कुल्हाड़ी से सिर पर वार किया। मैं बेहोश हो गई, मेरी बेटियों से भी मारपीट की गई। इस हमले में महिला भी शामिल थी। थाना प्रभारी कुशवा ने बताया मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। खरगांव से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। अरे मेरे ये पाले के ऊपर से झगड़े हुए, ये बच्चे पैसे, तो हम अंदर हो गए तो यानी पीछे से आया छत पे से, तो उसने पहले दराती फेंक के मारी, तो दराती लगी, फिर कुल्हाड़ी से वार करा उसने, फिर वार करके ना फेंक दी कुल्हाड़ी से। का सर पे मारी? हाँ सर, सर पे मारी, और मेरी बच्ची के साथ में भी। घर में कौन था? घर में जेंट्स के कोई भी नहीं थे, केवल मेरी 3 छोरियाँ। कितने लोग थे? वो तो कम से कम मेरे को तो कहीं समझ में नहीं आ रही है। नाम मालूम है कौन थे? एक उसका जमाई। कोई महिला भी थी? जिसने मारा नहीं उसका जमाई ने वार करा, महिलाओं ने अलग से अंदर आया कि घर में घुस के मारा। हाँ घर में घुस के मारा। किस चीज से वार करा? पहले दराती मारी तो वो नहीं लगी, फिर कुल्हाड़ी से मारा। सर में मारा? हाँ सर। नाम क्या नाम है आपका? मेरा नाम फातिमा। कहाँ रहते हैं? सुखपुरी में एक महिला के साथ मारपीट हुई है। ये महिला फातिमा है, इनके साथ जो है इनके मोहल्ले में रहने वाले हैं, उन्होंने मारपीट की है और उनको जो है अभी जिला चिकित्सालय खरगोन में भर्ती किया है, जहाँ पे वो उपचार रहते हैं। कारण क्या बता रहे सर? कारण कोई पुराने झगड़े की रंजिश को लेकर, पाला आला भाई जानवर का पाला लेके आए थे, उस पे से उनको ये शंका थी कि तुमने हमारा पाला ले आया हो, इस पे से विवाद हुआ इनका। क्या कार्रवाई सर? इसमें अपराध पंजीवृत किया गया है और अनुसंधान में जैसे भी तथ्य आएंगे वैसे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।